बच्चे के झगड़े में उलाहना देने गई मां के साथ युवक ने की मारपीट। News 9 Times उत्तर प्रदेश हमीरपुर से जिला विशेष संवाददाता रमेश कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर बच्चों के झगड़े की उलाहना देने गई थाना एवं गांव चिकासी निवासी महिला के साथ दबंगों ने गाली गलौज कर मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी देकर भाग खड़े हुए। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत थाना चिकासी में की मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परेशान महिला ने घटना की शिकायत SP से करके न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला ज्ञानवती पत्नी प्रमोद कुमार ने बताया कि 13 जून को उसके और पड़ोसी रविंद्र के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसकी उलाहना देने वह रविंद्र के घर गई थी। इसी बीच बातचीत में गाली गलौज होने लगी, तभी रविंद्र और विशाल ने महिला के साथ मारपीट की। जब महिला ने बचाने के लिए शोर मचाया तो दोनों महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। महिला का कहना है कि वह तुरंत थाना चिकासी गई और प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, पर थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे दबंगों के हौसले बढ़े हुए हैं। पीड़ित महिला ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक हमीरपुर दीक्षा शर्मा से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। News 9 Times मुझे लात मार दी उसने और लात मार के नीचे गिरा दिया। फिर दोनों ने मारा विशाल रविंद्र ने, मेरा ब्लाउज फाड़ दिया। फिर मैं थाने गई तो उन्होंने कुछ नहीं सुनी। कहाँ के थे वो? वो चिकासी के हैं, मैं भी चिकासी की हूँ। थाने में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं गई वहाँ पे, पुलिस नहीं आई। फिर दोबारा फोन किया, फिर बाद में पुलिस आई तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। आज कहाँ आए हो? आज हमीरपुर जिला में।